गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है आखिर क्यों भारत के गुप्त हथियारों से डरता है अमेरिका और यूरोप। मतलब इसका टाइटल काफी मुझे हार्ड किस्म का लगा, क्योंकि इंडिया के काफी मतलब हिडन वेपन्स भी हैं जिनको हम बोल लें या जिनको अभी तक इंडिया ने शो नहीं किया, उससे आखिर क्यों अमेरिका और यूरोप डरते हैं। तो उसके बारे में क्या रीजन है, पहले वीडियो देखेंगे, उसी के बाद सही से पता लगेगा कि क्या मतलब रीजन है। तो टेक्नोफीरिया की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं भाई कैसे होने लगे हैं और क्या है इस वीडियो में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों भारत के लिए अब ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का दौर पुराना हो चुका है। आज के दौर में भारत MIRB तकनीक का महारथी बन चुका है। MIRB यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट से जो जाती है, यानी ऐसा विनाश का हथियार जो अपने साथ कई मौत का हथियार लेकर जाता है। अगर हम MIRB तकनीक वाले मिसाइल को साफ साफ शब्दों में समझे तो MIRB तकनीक वाला मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो अपने एक ही वार से दुश्मन के कई ठिकानों का विनाश कर देता है। भारत के पास MIRB तकनीक और ICBM तकनीक हासिल तो है ही, लेकिन सरकार ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर कबूला नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं जिन्हें MIRV तकनीक हासिल है। दोस्तों भारत ने Agni-5 मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को चौंकने पर मजबूर कर दिया था कि वह 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी इस मिसाइल से जलाकर राख कर सकता है। इसके बाद भारत ने इससे भी खतरनाक और घातक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया और वो मिसाइल है Agni-6 और सूर्या। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत साल 2017 में ही Agni-6 का परीक्षण करने वाला था, जबकि सूर्या मिसाइल की जानकारी 2010 से ही लोगों के सामने नहीं आई है। सूर्या मिसाइल तो दूर दोस्तों, लोगों को यह भी नहीं बताया गया Agni-6 बना भी या नहीं। हम आपको बता दें कि Agni-6 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि सूर्या मिसाइल की रेंज इससे भी ज्यादा कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी दूर भारत का कोई घोषित दुश्मन मौजूद नहीं है जिसके लिए इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइलें बनाई जाए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत Agni-6 और सूर्या मिसाइलों के मिशन को ड्रॉप कर चुकी है या फिर भारत ने इन मिसाइलों को बना लिया है, मगर अभी सरकार इन मिसाइलों के राज को गुप्त रखना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज बात होगी ऐसे जबरदस्त हथियार की जिसे अमेरिका भी नहीं चाहता कि वह भारत के पास आ जाए। सूर्या मिसाइल कितना गुप्त है आप इस बात से अंदाजा लगा लो दोस्तों कि इस मिसाइल के बारे में सरकार के तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों मतलब सूर्या मिसाइल का काम कहाँ तक पहुँचा, यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है या फिर इस मिसाइल को बनाना बीच में ही छोड़ दिया गया है, वगैरह वगैरह। दोस्तों अगर हम भारत के मिसाइल तकनीक के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में सोचे तो मिसाइल तकनीक में भारत ने महारत हासिल कर रखी है। आज भारत अमेरिका, रूस जैसे एडवांस तकनीक वाले देशों के मिसाइलों से भी अधिक घातक मिसाइल बनाने में कामयाब हो रहा है। जैसे भारत ने साल 2019 में ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल को ASAT मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर भारत के जासूसी करने वाले सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। इसके अलावा भारत ने साल 2012 में ही Agni-5 मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया था। यह मिसाइल ICBM तकनीक से लैस एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन पर लॉन्च होने के बाद पहले अंतरिक्ष में जाता है और फिर वहीं से अपना टारगेट सेट करके ग्रेविटी की मदद से अधिकतम रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर देता है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत मिसाइल तकनीक में कितना आगे निकल चुका है। जब भारत मिसाइल तकनीक में इतना आगे निकल चुका है तो उसके लिए सूर्या मिसाइल या Agni-6 जैसे मिसाइल को बनाना कितना कठिन है दोस्तों। लेकिन तकनीक होते हुए भी आखिर क्यों भारत अब तक Agni-6 को बना नहीं पाया है या इसका टेस्ट दुनिया से छिपा रहा है, ये सोचने वाली बात है और इसके वाजिब कारण भी है। दरअसल इस तरह के हथियार के बारे में कहा जाता है कि यह हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि यह हथियार दुश्मन को डराने और उस पर मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों जब भारत ने Agni-5 मिसाइल का परीक्षण किया था तभी भारत का पड़ोसी चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर Agni-5 और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बैन की मांग करने लगे थे। हालांकि भारत ने Agni-6 मिसाइल का परीक्षण कभी नहीं किया, मगर इस मिसाइल को लेकर
यूरोपियन देशों ने यह कहा था कि जब भारत का इतने दूर तक कोई दुश्मन है ही नहीं तो भारत ऐसे मिसाइल को क्यों बना रहा है। भारत के पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए अग्नि 4 और अग्नि 5 ही काफी है, तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत को सवालों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है दोस्तों कि भारत ने आज तक अग्नि 6 या सूर्य मिसाइल है ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन को इन हथियारों से चौंकाया जा सके। दोस्तों भारत नहीं चाहता कि वैश्विक स्तर पर दुश्मन को भारत की क्षमता और उसकी शक्ति का पता चले, नहीं तो दुश्मन भी अपनी तैयारी उसी के मुताबिक मजबूत कर सकता है। अगर कभी युद्ध जैसी नौबत आ जाती है तो भारत अपने गुप्त हथियारों से दुश्मन को चौंका देगा। वैसे भारत के पास और भी कई सीक्रेट हथियार है जिसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब युद्ध होगा तो भारत के सीक्रेट हथियारों का मजा चीन और पाकिस्तान को चखना ही पड़ेगा। मगर फिलहाल भारत सीक्रेट हथियारों का नाम सुरक्षा वजहों से सार्वजनिक नहीं कर सकता। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था तब चीन ने इसके खिलाफ खूब हंगामा किया था। डीआरडीओ ने इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर बताई थी, मगर चीन का दावा था कि इस मिसाइल की रेंज असल में 8000 किलोमीटर तक है। चीन अग्नि 5 से कितना डरता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने यह तर्क देते हुए कहा था कि भारत ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगना चाहिए। चीन ने तर्क देते हुए यह कहा था कि अगर भारत ICBM मिसाइलें बना रहा है तो पाकिस्तान को भी इसमें छूट मिलनी चाहिए, मगर चीन के इस मांग को अमेरिका समेत यूरोपियन देशों ने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देश चाहते थे कि एशिया में कोई ऐसा देश हो जिससे चीन डरे और चीन भारत की मिसाइलों के रेंज में रहे। तो दोस्तों भारत के सीक्रेट हथियार सूर्या और अग्नि 6 मिसाइल के लिए एक लाइक तो बनता है। आज कोई भी भारतीय इस वीडियो को बिना लाइक किए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि जो अग्नि है और सूर्य वो बांध चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और इसका यही रीजन है कि अभी देखें सब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि चाइना और मतलब पाकिस्तान से नहीं बनती इंडिया की, नहीं बनती। तो मतलब यही है और पूरी दुनिया को ये भी पता है पाकिस्तान का भी सिर्फ एक ही मतलब जिसको दुश्मन मानता है वो इंडिया है, या तो फिर इसराइल हो गया या ये हो गया। मोस्टली इधर ही करीब करीब है जो करीब है यार। और अगर इंडिया या पाकिस्तान, अब देखें चाइना का दुश्मन अमेरिका है, तो ये अगर एक कभी अमेरिका के लिए चाइना ने बनाया 16000 किलोमीटर का जो कि उसने बनाया, उस पर सैंक्शन नहीं लग सके क्योंकि पूरी दुनिया को पता है और चाइना को पता है कि मेरा असली दुश्मन अमेरिका इसलिए उसने ये बनाया। और मतलब अब इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में कुछ पिछले जब से आजाद हुए दुश्मनी है, ये पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया लोग बेशक नफरत ना करते हो लेकिन मतलब जो गवर्नमेंट मतलब वो आपको पता है। तो दूसरी बात अगर देखा जाए तो अभी अगर भारत बनाता है कहीं जाके 16000 किलोमीटर या मतलब 10000 से ऊपर भी कोई भी अगर रेंज का बनाता है, तो जाहिर बात है अमेरिका और यूरोप बोलेंगे सबसे पहले कि हमारे लिए बनाया है, मतलब क्योंकि जरूरत क्या है। मतलब या अगर पाकिस्तान बनाता है तब भी इसी तरह बोलेंगे। और यार एशिया का कोई भी कंट्री बनाता है वो यही बोलेंगे कि यार हम चाइना और रशिया को वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो वाला जाहिर बात है उनको पता है दुश्मनी है, दुश्मनी। हाँ उनपे और उन्होंने बनाया। रशिया को तो वो बोल भी नहीं सकते मतलब इस लिहाज से। और दूसरी बात ये कि अगर इंडिया ने और अमेरिका को भी पता है, इंडिया ने अमेरिका को पता है कि अग्नि 6 और सूर्य रेडी हुआ लेकिन अगर इन्होंने शो कर दिया तो अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा, वो सैंक्शन लगा सकता है जो कि और दूसरी बात के लिए प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये कि यार बहुत सारे ऐसे गुप्त मिसाइल हैं जो अभी तक उन्होंने जो है ना इसका वो किसी को दिखाया नहीं है। अब देख लो डेली कोई ना कोई एक मिसाइल का तजुर्बा हो रहा है, ठीक है इंडिया कर रहा है, तो खुद इस बात से अंदाजा लगा लो कि और कितने मिसाइल होंगे, तो भाई और कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। इंडिया को फिलहाल शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अग्नि 5 है वो भी चाइना के लिए काफी है जो कि जरा दूर है इंडिया से। यार बहुत सारे देश हैं जो इसमें मतलब मैं तो कहता हूँ एशिया आ जाता है, एशिया पूरा आ जाता है इंडिया का मतलब जहाँ पे है, क्योंकि अभी अमेरिका यूरोप से अच्छे एक ताल्लुकात है इंडिया के, तो अभी इस चीज को शो करने की कोई मतलब वो कहते हैं ना वो कोई बात नहीं बनती कि मतलब इसको शो किया जाए। यार हमेशा ये चीज उस टाइम शो की जाती है जब कोई दूसरे देश वाला मुल्क वाला आपके ऊपर कोई मतलब कोई इस तरह की सेंक्शन लगा दे या आपके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा हो, तो उसको शो कराने के लिए ये चीज दिखाई देती है। और मेरे ख्याल से अग्नि 5 अभी भी यूरोप तक जाता है बिल्कुल, मतलब पूरा नहीं तो आधा तो जाता है यूरोप, ठीक है। और दूसरी मेन बात ये है कि अगर इसको इसी वजह से मतलब अभी तक नहीं किया हुआ, जैसे ही मतलब कोई देश इस तरह का होगा जो कोई प्रॉब्लम जिस तरह अमेरिका ये शो करेगा, मेन ये चीज होती है कि शो करना। मतलब चाइना में भी तो अभी आके शो किया था 3 साल पहले, तो वो भी अमेरिका के
इसी वजह से किया था ICBM की दौड़ से बहुत इंडिया आगे जा चुका है और बहुत ज्यादा आगे। इसमें कोई बात नहीं है कि मतलब इंडिया के पास बेस्ट किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसमें मतलब कोई शक नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी मैं कहता हूँ चाइना से भी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी इनके पास, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यार इस किस्म की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास इस टाइम है कि वो शायद चाइना के पास भी ना हो, इस किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।